हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर क्रूप असावड़ा एंड अवर टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फॉस्फरस पॉइजनिंग। इट इज एन इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स एंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटालिक पॉइजन्स। सो लेट अस चेक आउट इंट्रोडक्शन फर्स्ट। फॉस्फरस इज अ नॉन मेटालिक इरिटेंट पॉइजन एंड देर आर टू वेराइटीज। वन इज व्हाइट और येलो फॉस्फरस एंड अनदर वन इज रेड फॉस्फरस। सो लेट अस सी द फीचर्स ऑफ बोथ द वेराइटीज। येलो फॉस्फरस इज येलोइश वैक्सी क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ अ गार्लिकी ऑर्डर, राइट? एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर इट ऑक्सीडाइज इन टू व्हाइटिश फ्यूम्स ऑफ फॉस्फरस पेंटोक्साइड। सो अगर उसको एयर का एक्सपोजर मिलता है देन इट ऑक्सीडाइज टू द व्हाइटिश फ्यूम्स, हेंस इट इज जनरली स्टोर्ड अंडर वॉटर। येलो फॉस्फरस इज हाईली कंबस्टिबल एंड इग्नाइट्स इन टू फ्लेम एट 34 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इट इज हाईली कॉम्बस्टिबल एंड इट इज ल्यूमिनेसेंट एंड ग्लोज इन द डार्क। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है दैट इज फॉस्फोरेसेंस, राइट? सो इट इज ल्यूमिनेसेंट, लाइट। ल्यूमिनेसेंट मीन्स विच गिव्स लाइट। ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट फीचर्स ऑफ रेड फॉस्फरस। दिस इज अ रेडिश ब्राउनिश एमोरफस ऑर्डरलेस सब्सटेंस एंड इट इज इनसोल्यूबल एंड हार्मलेस सिंस इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। सो इट इज इनसोल्यूबल एंड हार्मलेस सिंस इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। डेरिवेटिव्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस इंक्लूड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फाइन, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एंड जिंक फॉस्फाइड। सो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोरस। लेट अस सी यूजेस ऑफ इट। सो एज वी ऑल नो इट इज मेनली यूज फॉर मैचेस, फायरवर्क्स, मिलिट्री यूज लाइक आइदर इन बॉम्ब्स और गन पाउडर्स, देन इंसेक्टिसाइड एंड रोडेंटिसाइड एंड इट इज ऑल्सो यूज इन फर्टिलाइजर्स। सो दीज आर द यूजेस ऑफ फॉस्फरस। बाई दीज यूजेस वी कैन हैव एन आइडिया दैट फॉस्फरस इज कॉमनली यूज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो येल्लो फॉस्फरस इज अ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन एंड इज अ पोटेंट हिपेटोटॉक्सिन। सो एज वी ऑल नो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन मीन्स जब किसी भी चीज ये जो पर्टिकुलर पॉइजन है उसके संपर्क में आती है तो वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है या तो फिर वो जो सेल है उसको वो मार देता है, राइट? एंड इन अ लार्ज डोजेस इट कैन कॉज शॉक एंड कार्डियोवैस्कुलर कॉलेप्स सिंस इट इज अ टॉक्सिक टू द हार्ट। अगेन इट इज अ कार्डियोटॉक्सिक। सो इन लार्ज डोज इट कैन कॉज शॉक एंड कार्डियोवास्कुलर कॉलेप्स। लोकली इफ वी सी प्रोड्यूस सीवियर इरिटेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजा। सो अगर उसका लोकली एप्लीकेशन अगर करते हैं देन सीवियर इरिटेशन जो है वो स्किन या तो फिर म्यूकोजा पे होता है एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज जनरली एनहेंस इफ फॉस्फोरस इज एडमिनिस्टर्ड विथ ऑयली व्हीकल, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो फैट पार्ट है, राइट, या तो फिर अगर कोई ऑयली व्हीकल है उसके साथ अगर फॉस्फोरस को एडमिनिस्टर किया जाए तो जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही जल्दी होता है, राइट? फेटल डोज 60 to 120 mg, रफली 1 mg/kg बॉडी वेट एंड फेटल पीरियड विद इन 24 आवर्स बट मे बी डिलेड बाई 4 to 8 days, राइट? सो दीज आर द फेटल डोजेस एंड फेटल पीरियड। क्लिनिकल फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्यूट पॉइजनिंग इज डिवाइडेड इन टू 3 डिफरेंट स्टेज, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एंड नाउअडेज इट इज अ फ्रीक्वेंट अकरेंस। एक्यूट पॉइजनिंग फ्रॉम फॉस्फोरस इज फ्रीक्वेंट अकरेंस। इन फर्स्ट स्टेज इट इरिटेट्स जीआईटी कैरेक्टराइज बाई वॉमिटिंग, डायरिया एंड एबडोमिनल पेन। देर इज अ गार्लिकी ऑर्डर, वॉमिटस एंड स्टूल में बी ल्यूमिनस इन द डार्क एंड फ्यूम्स में इवॉल्व फ्रॉम द स्टूल्स एंड आर कॉल्ड एज स्मोकी स्टूल सिंड्रोम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकी स्टूल सिंड्रोम। इवन इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू ऑल्सो। सो हियर देर आर सर्टन थिंग्स वी नीड टू सी। सो इरिटेशन टू जीआईटी फर्स्ट, देन जीआईटी सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, गार्लिकी ऑर्डर, वॉमिटस एंड स्टूल में बी ल्यूमिनस इन द डार्क एज इट कंटेन्स फॉस्फरस एंड फ्यूम्स इवॉल्व फ्रॉम द स्टूल्स एंड आर कॉल्ड एज स्मोकी स्टूल सिंड्रोम। सेकेंड स्टेज, अगेन इफ द पेशेंट सर्वाइव्स द एक्यूटनेस ऑफ सिम्टम्स में सबसाइड एंड द कंडीशन अपियर्स टू इम्प्रूव। सो दिस इज अ मिडल स्टेज वेयर
the acuteness of symptoms may be subside, right? And it appears to improve. Now, again, there will be a third stage, and the symptoms of first stage again reappears and increased in severity, like hepatic failure in a form of tender and enlarged liver, jaundice, disease of brain dysfunction, encephalopathy or encephalopathy, whatever. And there are purpuric hemorrhagic areas and cramps. Convulsion may appear at the last stage, and renal failure typically develops with symptoms including oliguria, hematuria, or albumin urea. So we need to check all these things while doing treatment, like convulsions, renal failure, all these things we need to check it out. Chronic poisoning due to long-term exposure. If exposure is for long-term, there will be a chronic poisoning, and symptoms are a bit different. Nausea, vomiting, diarrhea, eructation, and abdominal discomfort. All these are GIT related symptoms. Then wasting and weakness of muscle, anemia, jaundice, right? Fossey jaw and glass jaw. This is very important. This is again an MCQ question. So what is this? It is osteomyelitis of the jawbone, means lower jaw, due to chronic phosphorus poisoning. Initially, there is toothache in caries tooth with swelling of gums. So there will be ache in a tooth and swelling of gums. There is loosening of teeth, sloughing of gums, means peeling off skin of gums, that is sloughing of gums followed by necrosis, right? And osteomyelitis of mandible. So all these things you need to you can see in chronic poisoning. And the epiphysis of children becomes compact, and in adults, the Haweryson canal and marrow spaces are filled with dense bone, right? So these are the symptoms which you can find out in chronic poisoning, right? Then management. In management, we need to check it out, all the symptomatic treatment, right? First of all, we'll start with, do not give milk or oily or fatty food drink because it will enhance the absorption of phosphorus. As in action, also we have told that it should not be given with oily vehicle, right? Gastric lavage should be done with potassium permanganate, okay? Because it oxidizes phosphorus into less toxic phosphoric acid and phosphate. Intravenous fluid support if patient needed. Then vitamin K is given for prothrombinemia, right? Because if vitamin K is not given certain time, there will be a chances of physiological bleeding, right? Due to hypoprothrombin, okay? Then glucose for hypoglycemia, calcium gluconate for hypocalcemia, benzodiazepine for convulsions, and hemodialysis for renal failure, right? So as we have seen all the symptoms here, we need to treat all the symptoms, whatever we have seen in chronic poisoning. Then management of chronic poisoning, removal of patient from the source of exposure, dental treatment and proper follow-up should be done in chronic poisoning. This is a management, right? Or treatment in chronic poisoning. Then autopsy findings. So petechial hemorrhages may be noted over the skin. Regarding petechial hemorrhages, already we have discussed in asphyxia. So there are certain small hemorrhages, right? Jaundice, garlicky odor. Then gastric mucosa is yellowish and greenish white in color and is softened, right? So here gastric mucosa is yellowish or greenish with garlicky odor and are luminous in the dark, right? As we have told previously, phosphorus is luminating, right? It is a luminous. The liver shows necrobiosis, liver is enlarged, then Dagi in consistency, uniformly yellow, and contains many hemorrhagic areas in the parenchyma. So again, it directly targets liver, so there will be necrobiosis of liver, right? Heart, kidneys, and voluntary muscle fibers may show fatty degeneration, and on microscopy, hepatocellular necrosis and cholestasis are observed, right? So your heart, kidney, all the voluntary fibers, so fatty degeneration and hepatocellular necrosis, if we'll see on microscope, and cholestasis are observed. Now, medico-legal importance.
So homicidal poisoning, rare. It is rare due to strong garlic-like odor and luminescence, because directly a person can get idea, right, that this is phosphorus due to its smell and color. Suicidal poisoning was also documented in the records of earlier Lucifer matches. The match heads were soaked in the brandy and ingested. So this was a method. Previously, it was documented that the match heads, right, they were soaked in the brandy and ingested, okay, from where we produce that particular fire. They are match heads, okay. Accidental poisoning can occur in children by using rat paste, retol, that contains 3% phosphorus, which is similar to toothpaste. So certain time what happens that if you see a particular paste of retol, it is similarly looks like a Close-Up or a Colgate. Okay, so there might be an accidental poisoning, and phosphorus can be detected in a putrefied body. Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon, and share this video amongst your friends. Thank you.